अभी हो गई है 8 फीट। कार्ट फिशिंग के लिए मैं जो रॉड यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम है लुकाना वागाबांड। यह है ड्यूअल पर्पस रॉड है, इसको बेट कास्टिंग और स्पिनिंग के लिए भी यूज़ कर सकता है। अगर चाहिए तो 7 फीट, नहीं तो 8 फीट भी इसमें कर सकता है। अभी इसको जो है देखेंगे। अभी इस रॉड को खरीदने के बाद 6 महीना हो गया, 6 महीने से मैं यूज़ कर रहा था। 6 महीने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा इसका, तो अभी तक जो है बहुत बढ़िया रहा। तो ये ट्रैवल रॉड है, ये ट्रैवल रॉड है वागाबांड। तो शायद आपको मालूम होगा ये वागाबांड मीन्स आवारा, घूमने वाला। इधर उधर घूमते रहता है ना, ऐसे ही ये रॉड को लेकर आप कहीं भी घूम सकता है बहुत आसानी से, आपका बैग पैक के अंदर भी आ जाता है। तो इसको अभी इंस्टॉल करेंगे। ये बट सेक्शन सेकंड, ये टिप सेक्शन सबसे लास्ट वाला। और एक इसमें स्पेशल फीचर है, तो ये एक्सटेंशन वाला है। अभी इसको तो रॉड को जोड़ेंगे। ये अभी ये 7 फीट रॉड है। ये आप वेट कास्टिंग रील भी लगा सकता है इसको, स्पिनिंग रॉड भी लगा सकता है। अगर वेट कास्टिंग रॉड लगा दिया तो ये गाइड्स जो है ये गाइड्स ऊपर की तरफ हो जाएगा। अगर स्पिनिंग रॉड लगा दिया तो ये गाइड्स नीचे की तरफ आएगा। ये स्पेशल फीचर है। ये अभी ये 7 फीट को 8 फीट बनाने का। ये अभी हो गई है 8 फीट। स्पेसिफिकेशन देखेंगे इस रॉड की जो है। पहले बता दिया आपको 7 फीट और 8 फीट भी कर सकता है। बेड कास्टिंग रील भी है, स्पिनिंग की तरफ भी यूज कर सकता है। यह है 4 सेक्शन और एक्शन के साथ 5 सेक्शन है। लेंथ इसका बता दिया। इसका ल्यूर वेट जो है 8 से 60 ग्राम है। लाइन वेट 8 LB से 60 LB तक। ये बहुत खूबसूरत और स्ट्रांग रॉड है। इसको जो है इस प्राइस रेंज में तो ये रॉड जो है बहुत बेहतरीन माना जाता है। तो अच्छा है, इसका परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा। तो अभी इसको जो है स्पिनिंग रॉड से स्पिनिंग रॉड बनाएंगे, इसको स्पिनिंग रील लगा। स्पिनिंग रिल को रॉड में लगाएंगे।
लेकिन इसको मैं फिट कर दिया कि जो मैं स्पिनिंग जो रील जो है यूज़ कर रहा हूँ शिमानो कटाना 4000 HG, यह 2022 का मॉडल है ये। इसको भी मैं एक साल से यूज़ कर रहा था, तब तक बहुत अच्छा रील है ये शिमानो कटाना 4000 HG 2022 वर्षन। अभी इसको लाइन को इतना भी गाइड से इसमें क्रॉस कर लेना। इसको पास कर देना इसको लाइन को। जो रिग जो है जो हुक बांधने का जो है रिग अभी बनाएंगे। पहले यहाँ पर एक स्टॉपर है, एक बीड, इसके बाद ट्यूब सिंकर्स, अभी वेट इसलिए मैं ज़्यादा रह गया, ये पानी चालू पानी है, ये यहाँ पानी रुकता नहीं है, ये पानी चलता रहता है, इसलिए जो इसको पर ये 3 hooks का गुच्छा है, फिर इसके बाद एक स्नैप्स रियल के साथ में इसको टाई करेंगे। इतना गर्मी में तो आप लोगों के लिए मैं काम कर रहा हूँ भाई, तो लाइक तो बनता है, तो सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। तो बहुत कम व्यू आता है मेरा चैनल में, मेरा सब्सक्राइबर ही मेरा वीडियो नहीं देखता है। सब्सक्राइब तो कर लिया लेकिन जो है वीडियो
नहीं देखता है तो क्या फ़ायदा भाई। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो ये थ्री हुक्स का नहीं, इसका ये रिग सेटअप हो गया। अब ये फ्लोट, ये जब मछली आके इसको खींच के ले जाएगा तो ये वेट यहाँ रुक जाएगा, रुकने के बाद वो अपने आप हुक हो जाएगा। बहुत बड़ा मछली है यह, अभी जो है ये बहुत बड़ा मछली, कम से कम रोहू है, 10 kg का होगा पूरा ऊपर आ गया। तो देखते हैं क्या होता है आज, अगर कोई फिश हुक हो गए तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। अभी बेट लगाएंगे हुक में, यह बेट है। तो जो देख रहे हैं ये घर से ही मैं बना के लेके आया हूँ। ये बेट में कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, केवल मैदा और कलर। मैदा और कलर है, और तो इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। मछली पकड़ने के लिए कोई फालतू चीज़ों की जरूरत नहीं है, जो वेजिटेरियन मछली जो भी है, अरे मैदा खाता है अच्छी तरह, बढ़िया सा खाता है वो, इसलिए जो है ये बाकी ये जो मसाला माल मसाला तो पता नहीं क्या क्या उसके अंदर जो है मरा के डालते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से जो है मछली अरे कलर का वजह से जो है अट्रैक्ट होता है, ये पॉपअप की काम करता है, ये पानी में जाने के बाद ये पॉपअप की काम करेगा। थोड़ा लूज करके रख देना, वो अपने आप बीच में रह जाएगा, हुक हो जाएगा। कभी भी स्पिनिंग रील को आप स्टोर करते हैं फिशिंग के बाद, ऐसे एक जो है रील कवर को इस्तेमाल करने का, ताकि जो है उसके स्पूल की और रील की हिफाजत रहेगा, तो लॉन्ग लास्टिंग आपको बहुत दिन तक आप यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं कि आप बैग में बगैर कवर के साथ ऐसे डाल लेंगे तो कुछ ना कुछ डैमेज हो जाएगा, स्पूल में अगर थोड़ा सा भी स्क्रैच आ गए तो आपको कास्टिंग का दिक्कत होगा। तो प्लीज़ यूज़ दिस टाइप ऑफ एनी ब्रांड ऑफ रील कवर।